हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ जीव विज्ञान में मानव शरीर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का पार्ट 18 है। इसके पहले जो इस पे 17 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहें तो उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप उसे देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है आने वाले एग्जाम से रेलवे, RPF ग्रुप डी, SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, 97 नंबर क्वेश्चन है। और इसके अलावा दोस्तों, अब मैं एक अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, उसमें मेरा चैनल स्टडी और टारगेट सर्च कर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न, 97 नंबर क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कहाँ से स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी, ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि जो है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो है स्रावित करती है? तो पीयूष, ठीक, पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो है स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकंड यानी ग्वाइटर में किस ग्रंथि की अवृद्धि होती है? तो किस ग्रंथि की जो है अवृद्धि होती है? तो थायराइड, ठीक, थायराइड ग्रंथि की अवृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में, ठीक, मस्तिष्क में स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से जो है स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो परवटु, ठीक, परवटु ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि से जो है स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, ठीक है, यकृत यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि जो है अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है? तो लैक्रिमल, ठीक, लैक्रिमल ग्रंथि जो है अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, यानी ये तीनों जो है मादा जनन हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। नरलैंगिक हार्मोन है, तो नरलैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन जो है नरलैंगिक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो कौन सा हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एंड्रिलिन, ठीक है, एंड्रिलिन हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। रक्त दाब का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो अधिवृक्क, ठीक, अधिवृक्क के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो किस ग्रंथि से जो है स्रावित होते हैं? तो एंड्रिनल, ठीक है, एंड्रिनल कौन से जो है स्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है।
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय ग्रंथि जो है एक साथ जो है अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक, इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी ग्रंथि है? तो अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय ग्रंथि जो है इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बहुत बड़े क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंसुलिन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा। ठीक, बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो अग्न्याशय में। ठीक, अग्न्याशय में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 639। ठीक, 639 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जबड़ों की। ठीक, जबड़ों की पेशी जो है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो किसकी पेशियों में जो है स्पंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय। ठीक, हृदय में जो है स्पंदन का गुण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो किस अम्ल के कारण से जो है थकान महसूस होती है? तो लैटिक अम्ल। ठीक, लैटिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण से जो है थकान महसूस होती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया जो है दान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना। ठीक, रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो है किसके कारण से होता है? तो मेलालिन। ठीक, मेलालिन के कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो किस स्थान पर जो है सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर। ठीक, तलवे पर जो है मनुष्य की त्वचा जो है सबसे मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो चमड़ा। चमड़ा यानी त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? तो ऊपरी सतह जो है क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। ठीक, एपिडर्मिस कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो इनेमिल। ठीक, इनेमिल जो है सबसे कठोर भाग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो अधिकांश भाग जो है क्या होता है?
तो जल, ठीक, जल होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो स्नायु, ठीक है, स्नायु कोशिका जो है मानव शरीर के जो है सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो कितनी होती है, तो 20, ठीक, 20 होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो सामान्य तापमान जो है कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में, ठीक, 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो कितने ग्राम का होता है, तो 1350, ठीक, 1350 ग्राम का होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, तो कौन सा रासायनिक पदार्थ जो है रक्त को जो है थक्का बनाता है, तो फिलोक्विनोस, ठीक, फिलोक्विनोस जो है रक्त को थक्का बनाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, तो किस मानव हार्मोन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है, तो थायरॉक्सिन, ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिश्रित होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ईजी का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए, ठीक, मस्तिष्क के लिए किया जाता है, और ईसीजी का प्रयोग जो है हृदय के लिए किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का ब्यास होता है, तो WBC का ब्यास जो है कितना होता है, तो 0.007 mm, ठीक, 0.007 mm होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 31-37 क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।